नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, ट्रेन आने से पहले या फीचर देगा सभी ट्रेनों की जानकारी। चारबाग रेलवे स्टेशन आने वाले यात्रियों को उनकी ट्रेनों की लोकेशन और प्लेटफार्म का पता बाहर ही चल जाएगा। उनके प्लेटफार्म पर आने के बाद भटकना नहीं पड़ेगा, उनको ट्रेनों की जानकारी बाहर लगी बड़ी एलईडी स्क्रीन पर ही मिल जाएगी। उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन चारबाग स्टेशन के 3 अलग अलग लोकेशन पर बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाएगा, जिसको नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम एनटीएस से जोड़ा जाएगा। चारबाग स्टेशन के 9 प्लेटफार्मों से प्रतिदिन करीब 260 ट्रेनें गुजरती है। इन ट्रेनों की लोकेशन और प्लेटफार्म की सूचना देने के लिए अभी फर्स्ट क्लास प्रवेश हॉल और सेकेंड क्लास प्रवेश हॉल में 2 बड़ी एलईडी स्क्रीन लगी है। कई बार यात्री जब यहां पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उनकी ट्रेन घंटों लेट है, ऐसे में उनको प्लेटफार्म पर बहुत देर तक ट्रेनों का इंतजार करना पड़ता है। साथ ही दो ही स्थान पर यात्रियों की भीड़ भी अधिक हो जाती है। रेलवे ने अब स्टेशन पर प्रवेश के लिए रेलवे न्यायालय के पास में एक पैदल पुल बनाया है। यह पैदल पुल का इस्तेमाल प्लेटफार्म 1 से 7 तक के लिए होता है। साथ ही न्यायालय के पास ही पुल को एस्केलेटर और लिफ्ट से जोड़ा गया है। अब रेलवे प्रशासन रेलवे न्यायालय पार्सल घर और पार्किंग में बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाएगा। इन स्क्रीन में ट्रेन के आने का संभावित समय और उनके प्लेटफार्मों की जानकारी होगी। इसके बाद दूसरे चरण में ट्रेनों के आरक्षण चार्ट को भी इस स्क्रीन से जोड़ा जाएगा। रिपोर्ट आरती सचदेवा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।